कि गर मिल गई है तुझे इश्क में बेवफाई, कि गर मिल गई है तुझे इश्क में बेवफाई तो उस जालिम की कुछ ऐसी दशा करना, कि गर मिल गई है तुझे इश्क में बेवफाई तो जालिम की कुछ ऐसी दशा करना कि ना देना जहर, कि ना देना जहर ना ही बद्दुआ, अपनी कामयाबियों से उसको तबाह करना, अपनी कामयाबियों से उसको तबाह करना। और क्या होता है ना कि आप ना जब किसी से प्यार करते हो तो मतलब अगर आपने कभी अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर की होती हैं तो सामने वाला इंसान ना खुद को अपने एक पेडिस्टल पे रख लेता है कि यार अब तो इसे मुझसे प्यार हो गया, नाउ आई कैन ट्रीट हिम और हर द वे आई वॉन्ट। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है कि वो खुदगर्ज होकर भी, कि वो खुदगर्ज होकर भी एक फितूर लिए बैठे हैं, कि वो खुदगर्ज होकर भी एक फितूर लिए बैठे हैं, ये दिल आज भी उनके लिए धड़कता है, जहन में ये गुरूर लिए बैठे हैं। तो एज आई सेड, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन समथिंग ऑन बॉयज, और हमेशा से मेरी एक कोशिश रही है, सिंस मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा लड़कों से बात नहीं की थी इतनी अब तक, बट नाउ आई हैव गॉट रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, तो समझ पाती हूँ कि उनका पार्ट क्या है। तो बोलना चाहती हूँ आज लड़कों के लिए, लड़कों की तरफ से कुछ बोलना चाहती हूँ इस दुनिया को। तो शुरुआत करती हूँ कि जब आँख खुली इस दुनिया में हर किसी को हंसता पाया था, वजह सोची तो पता चला आज उनके घर का चिराग यानी कि मैं जो घर आया था। पापा मम्मी दादा नानी सबकी खुशियों का मानो अंदाजा ना था, किसी ने मुझे कान्हा, किसी ने मुझे अर्जुन, तो किसी ने भोला भंडारी कहकर बुलाया था। नाम सभी बहुत सुंदर थे पर उनके पीछे की वजह काफी वक्त बाद समझ आई थी, वो नाम महज नाम नहीं थे, उनके पीछे छुपी उनकी विशेषता के चलते सबने मुझसे कोई ना कोई उम्मीद लगाई थी। कोई मुझे डॉक्टर, कोई मुझे इंजीनियर, तो कोई आर्किटेक्ट बनाना चाहता था, पर इन सब में किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं क्या बनना चाहता था। बड़े होते ही मानो मेरी लाइफ का हर स्टेज प्लान था, कब मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किस उम्र में कितना समझदार बनना है, ये सब कुछ डिसाइडेड था। मैं भी ख्वाबों की दुनिया को समेट के सबकी उम्मीदों को इम्पोर्टेंस देने का फैसला कर चुका था, मेरे पैशन, मेरे इंटरेस्ट सबको एक बक्से में लॉक करके। यकीन मानो मैंने पूरी शिद्दत से उनका हर सपना पूरा करने का एक प्रयास किया था, पर ये क्या, मैंने अपने दिल को तो रोक लिया था, पर ये दिमाग जो अब तक मेरे गिटार की स्ट्रिंग में फंसा हुआ था, एंड वक्त पे साला मुझे वो ही धोखा दे गया था। अब हर दिन इस दिल और दिमाग के झगड़े में अपने पैशन को खोता देखता हूँ। खैर, ये पैशन वैशन तो सेकेंडरी है, MNC में जॉब लग गई है, कम से कम अपने माँ बाप का राजा बेटा हूँ। हर दिन ये समाज मुझको मेरे से ऊंचे औहदे वालों से तोलता है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ पर तूने लाइफ में किया ही क्या है, यही कमेंट साला रिपीटेड मोड पे बोलता है। गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट में कभी कभी जी भर के रो लेने का भी मन करता है, पर पागल है, रोना मत, भूल गया क्या तू एक लड़का है। हाँ, समझ गया लड़का हूं मैं, पर मेरे भी कुछ जज्बात हैं, नहीं दौड़ना मुझे अमीरी की अंधी दौड़ में, कुछ छोटे छोटे लम्हों में जीना, बस यही मेरे कुछ ख्वाब हैं, जिंदगी जी भर के जी लेने के लिए। हाँ, नहीं हूँ मैं ट्रंप और अम्बानी के जैसा, ना किसी शतरंज का इक्का हूँ, हाँ मुश्किल वक्त पर काम आऊंगा, मैं अपने माता पिता का एक छोटा सा सिक्का हूँ। और अंत में कुछ लिखना बोलना चाहती हूँ अपने उन साथियों के लिए जिन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया है, और वो कुछ इस तरह है कि हालात लिखोगे, जज्बात लिखोगे, हालात लिखोगे, जज्बात लिखोगे, कई बेमंजिल दिनों की कहानी, कई बेचैन रातों के फरमान लिखोगे, और यकीन मानो मेरे दोस्त, जो लिखना शुरू करो तो लिखते ही रहना, जो लिखना शुरू करो तो लिखते ही रहना, क्योंकि यही वो कुछ पल हैं जिनके बही खातों से तुम अपनी कामयाबी की बेमिसाल दास्तान लिखोगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।